بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إِنَّ
مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ मनो जो हुक्म खुदा दाए ते अमल सोने मुस्तफा दाए टिकट पाला जेब विच सोने दा जन्नत जान दा जिदा इरादा है आओ मनो जो हुक्म खुदा दाए ते अमल सोने मुस्तफा दाए टिकट पाला जेब विच सोने दा जन्नत जान दा जिदा इरादा ए ते तौबा कर दे रहिए अल्लाह कोलो डर दे रहिए तौबा कर दे रहिए अल्लाह कोलो डर दे रहिए सर सज दे विच धर दे रहिए एहो खौफ खुदा दाए आओ मनो जो हुक्म खुदा दाए अमल सोने मुस्तफा दाए टिकट पाला जेब विच सोने दा जन्नत जान दा जिदा इरादा ए हर किस्म दी हमदो सना किबरियाई बढ़ाई वहदाई अकथाई अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बाबरकत जात वास्ते खास अनगिनत ला तादा दुरुदो सलाम सैयद कौनैन इमामुल हरमैन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना आमीना दे लाल पैगरे हुस्नो जमाल साहेबे शर्फो कमाल जगह दे पीर बदरे मुनीर रब दे हबीब तुसा और मेरे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम ते होण मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गो पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इज्जत दे लायक एहतराम दे लायक इस्लामी रूहानी पर्दा नशी मेरी माओ और बहनों अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद शुक्र है जिस अल्लाह मालिक ने दुनिया दी भीड़ अंदरों निकाल के अपने पाक और मुकद्दस घर अंदर जमा हो के अपने वक्त नो कीमती बनाने दी तौफीक नसीब फरमाई दुआ है अल्लाह ताला साडा आना बैठना कुरान और हदीस की गुफ्तगू सुनना सुनाना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए अल्लाह पाक साड़ियाँ कमियाँ कुताहियाँ कमजोरियाँ गलतियाँ खतावा अपनी रहमत दे नाल मुआफ़ फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जदों मक्के दे मुशरिकीन आए काफर आए उन्होंने आप नूं तीन सवाल किए सन जिन्हां दे विचों एक सवाल यह सी कि उन्हां लोकां दे बारे अंदर मालूमात देवो
जिहड़े किते गुम हो गए छुप गए उन्हां दा पता ना चलिया। यानी असहाबे काफ दे बारे अंदर दसो। फिर दूसरा सवाल कि रूह क्या चीज है, रूह दे बारे अंदर सानू दसो रूह किनू आखिया जांदा है। और फिर तीसरा सवाल कि वो केड़ा सिकंदर आजम है, वो केड़ा बादशाह है जिन्हें अल्लाह की सारी जमीन ते बादशाही की थी, अल्लाह की सारी जमीन ते हुक्मरानी की थी। तो दो सवाल चुके पहले गुजर चुके ने। तीसरा सवाल जो उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो कीता, इहदे बारे अंदर इस तरह रवायात के अंदर आता है, मुशरकी ने मक्का यह तीसरा सवाल लैके जो नबी पाक को आए ना, अजे आपके सामने खड़े सन, अजे सवाल करने ही सी कि इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुसी हजरत ज़ुल्करनैन के बारे पूछण आए हो। उन्हें वेखिया हैरान हो गए, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूं भेज के पैगाम भी दिता और कुरान मजीद दियां इन्हां आयात दा नुज़ूल भी फरमाया। इसलिए नबी पाक ने फरमाया भी तुसी हजरत ज़ुल्करनैन दे बारे पुछण आयो। वो हैरान भी होए, नाल बह गए ते नाले आंदे ने जी सुनिया, असी ज़ुल्करनैन दे बारे पुछण आए हां, वो कौन सी और उहदा किस कबीले नाल ताल्लुक सी और कितनी कोने बादशाही किस तरह दी की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, इमामे कायनात फिरों में दस दे गए, जिवें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अंदर उन्हां दा जिक्र खैर फरमाया, इन्हां नूं ज़ुल्करनैन इस वजह तो आखिया जांदा है। बाज़ रवायात अंदर इस तरह इमाम इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ने नकल फरमाया कि हजरत ज़ुल्करनैन दे सर ते जिहड़ा ताज सी ना, इस ताज दियां दोनों साइडां ते दो सिंह सन, जिन्हां दी वजह तो ज़ुल्करनैन आखिया जांदा। बाद रवायात अंदर इस तरह है कि रूम और फारस ये दो इलाके आपस अंदर दुश्मन सन, मुखालफ सन। इन्हां दोनों इलाकियां नूं हजरत ज़ुल्करनैन ने आपस अंदर मिला दिता, सुलह करवा दी थी, एक करवा दिता। इस वजह तो भी ज़ुल्करनैन आखिया जांदा है। और ईरान, ईरान के करीब कुछ इलाका वो दो इलाके आपस अंदर झगड़ेलू सन, उन्होंने आपस अंदर मिलाया, इस वजह तो हजरत ज़ुल्करनैन आखिया जाता है। यानी जिथे भी दो ताकत अलग अलग होंदियां, आपस अंदर दुश्मनियां होंदियां, आपस अंदर झगड़े होंदे, आप उन्होंने आपस अंदर मिला दिता करते सन, इस वजह तो ज़ुल्करनैन आखिया जाता है। बाद मुफस्सरीन ने लिखे है याजूज माजूज की कौम के दरमियान यह जड़े दो पहाड़ सन, इन्हां दे दरमियान अंदर दीवार बना के इन्हां नूं आपस अंदर मिला दिता, इस वजह तो ज़ुल्करनैन आखिया जाता है। अल गरत हजरत ज़ुल्करनैन अल्लाह के महबूब बंदे सन, इन्हां दे बारे अंदर ज्यादा मुफस्सरीन ने यही लिखे है कि ज़ुल्करनैन अल्लाह के नबी तो नहीं सन, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदे सन, अल्लाह के करीब तर बंदे सन, जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने हिकमत और दानाई दे नाल माला माल फरमाया। और अल्लाह ने अपनी इस धरती से पूरी जमीन से अल्लाह ने बादशाहत नसीब फरमाई। तवज्जो करना, गौर करना, मेरी दिली दुआ है जो कुछ मैं बयान करा तुसा आप समाज फरमाओ। अल्लाह पाक मेरे समय असा सारियां नूं अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करन वाले आओ, इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करन वाले आ, दीवाने आ, परवाने आ, तवज्जो करना। मालिक कायनात फरमांदे ने व यसअलूनका अनिल क़र्नैन कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दी व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा।
फअतबा सबबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामे कायनात इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया वालिये बतहा बदरुद्दुजा शम्सो सुहा खैरुल वरा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर दा नाम नाम इसमें गिरामी आवे, मेरे पैगंबर दे मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल अदब दे नाल इहतराम दे नाल दुरूद पढ़ने सुनिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला तेरे कारोबार अंदर मारो जान अंदर रिजक अंदर खैर व बरकत फरमाणगे। मेरे पैगंबर दे दुरूद पढ़ता रहेगा, कियामत वाला दिन होएगा अल्लाह ताला अपने अरश दा साया नसीब फरमाणगे। मेरे पैगंबर ते दुरूद पढ़ता जाएगा, कियामत वाला दिन होएगा अल्लाह ताला जामे कौसर नसीब फरमाणगे। मेरे पैगंबर ते दुरूद पढ़ता रहेगा, कियामत वाला दिन होएगा अल्लाह अपनी जन्नत दा मेहमान बना देगा। मेरे पैगंबर ते दुरूद पढ़ता जाएगा, कियामत वाला दिन होएगा अल्लाह इमाम कायनात दा गवाही बना देगा। मालिक कायनात फरमाते ने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। नबी पाक ते दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला तेरे ते राजी होके कियामत वाले दिन तेरे मत्थे ते लिख देंगे बरात मिनन नार। ए मेरे मुस्तफा ते दुरूद पढ़ने वाले है, मैं रब ने जहन्नम दी आग नूं इहदे ते हराम कर दिता है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आप इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना। मालिक कायनात फरमाते ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ए मक्के दे मुशरक तुहाड़े कोलों सवाल करदे ने, वयसअलूनक अन दिल करनैन, हजरत ज़ुलकरनैन दे बारे अंदर सवाल करदे ने। सुनिया इन्हां नूं दस देवो, हजरत ज़ुलकरनैन मेरे महबूब बंदे बड़े मकाम अता फरमाए, मैं अल्लाह ताला ने बड़े मरतबे अता फरमाए। पता है हजरत ज़ुलकरनैन कौन ने? जिन्ना की अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, हजरत ज़ुलकरनैन हर इलाके की बोली जानने वाले, जिस इलाके अंदर भी चले जाते हर इलाके की गुफ्तगू अलग होंगी, हर इलाके का लहजा अलग होंगे, हर इलाके की बोली अलग होंगी। हजरत ज़ुलकरनैन हर इलाके का लहजा भी जानने वाले, हर इलाके की गुफ्तगू भी जानने वाले, हर इलाके के लोगों की तबीयत भी जानने वाले। पता हजरत ज़ुलकरनैन कौन ने? जिन्हों वास्ते अल्लाह ताला ने रास्ते आसान फरमा दिए। हजरत ज़ुलकरनैन आसानी नाल समझ आया करते सन, ए रास्ता फला इलाके वल जांदा है, ए रास्ता फला इलाके वल जांदा है। पता है हजरत ज़ुलकरनैन कौन ने? जिन्हों वास्ते अल्लाह ने जमीन दियां निशानियां नूं आसान कर दिता, जमीन दियां निशानियां नूं आसान कर दिता। पता है हजरत ज़ुलकरनैन कौन ने? जिन्हों वास्ते अल्लाह ताला ने बादलों नूं मुयस्सर कर दिता, बादलों नूं अल्लाह ताला ने हाजिर कर दिता। हजरत ज़ुलकरनैन कौन ने? जिन्हों नूं अल्लाह ताला ने बहुत सारियां बादशाहतां अता फरमाईयां। अल्लाह ताला फरमांदे ने, मेरा बंदा ज़ुलकरनैन एक दिन बैठा बैठा ख्याल करता है, मैं अल्लाह की जमीन का चक्कर ते लगावां, मैं अल्लाह की जमीन के चक्कर ते लगावां ना। हजरत ज़ुलकरनैन ने अपने लश्कर नूं ही नाल लै लिया। हजरत ज़ुलकरनैन ने फैसला किया, मैं अल्लाह की पूरी जमीन ते तौहीद नूं फैलावांगा, अल्लाह की पूरी जमीन ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा परचम बुलंद करांगा। हजरत ज़ुलकरनैन अपनी सवारी ते सवार हो गए। अल्लाह फरमाते ने, मैं ज़ुलकरनैन नूं हर असबाब अता कर दिते, जिन्ना जिन्ना चीजियां की जरूरत, जिन्ना जिन्ना सवारियां की जरूरत, जिस जिस असले की जरूरत, हजरत ज़ुलकरनैन चल पे ने। मालिक कायनात फरमाते ने,
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميمة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے حضرت ذوالقرنین اپنی سواری تے سوار ہو گئے اپنے لاؤ لشکر نو نہ لے لیا حضرت ذوالقرنین نے ارادہ کیتا میں مغرب دی طرف جانا وا اے جس طرف سورج چھپدا وے اس علاقے دا سفر شروع کر دیتا حضرت ذوالقرنین چل پے بڑیاں بڑیاں بستیاں تو گزرویا بڑے بڑے علاقیاں تو گزرویا بڑے بڑے علاقیاں تو گزرویا حضرت ذوالقرنین انہاں لوکاں نو اللہ دی बुलाया करते सन जिन्ना मन जाना सो मन जाना ते जिन्ना इनकार कर देना हजरत ज़ुल्करनैन ने उन्हें जंग करनी मालिक के नाल फरमाते ने जनाबे ज़ुल्करनैन चलते हैं दिन रात का सफर करते हैं उस मकाम ते पहुंच गए ने जिते सूरज गुरू बुंदा वे बिलकुल ओहदे करीब जो पहुंचे ना अल्लाह फरमाते ने हजरत ज़ुल्करनैन ने वेखिया बाबा जादा इंदा भाव जिथे सूरज छुपद ओहदे करीब ही लोग आबाद ने एक बहुत बड़ी कौम है एक बहुत बड़ा इलाका है एक बहुत बड़ा शहर है इस शहर के उस दौर अंदर 12,000 दरवाजे सन उस दौर अंदर जो जनाबे ज़ुल्करनैन सन जिथे सूरज गुरूब हुंदा लुकदा ना जिथे सूरज छुप जाता है जिथे शामा पै जाता ने ओहदे करीब ऐसी कौम से हजरत ज़ुल्करनैन पहुंचे ने जिस कौम के शहर के 12,000 दरवाजे ने अल्लाह फरमाते ने कुल ना याद अल करनैन ऐ मेरे ज़ुल्करनैन इम्मा अल तुअद्दीबा व इम्मा अल तत्तखिदा फीहिम हुस्ना ऐ ज़ुल्करनैन मैं अल्लाह की तरफ इजाजत दे जे चाहे तेना ते अपनिया शक्तियां कर देवे जे चाहे तेना नु तबाह बर्बाद कर देवे जे चाहे तेना नु छड़ देवे हजरत ज़ुल्करनैन ने जो रब की तरफ इजाजत आ गई जनाबे ज़ुल्करनैन फरमाते ने काला अम्मा मन सलामा फसौफा नुअद्दिबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिहि फयुअद्दिबुहु अदाबन इनकार कर देंगे अल्लाह की साथ नाल कुफर करेंगे अल्लाह की साथ नाल बगावत करेंगे कैनात दे रब नूं नहीं मनणगे उन्हां ते मैं दुनिया अंदर तख्तियां करांगा और मेरा ईमान ते मेरा अकीद है कियामत वाला दिन होएगा अल्लाह इस तो बड़े अज़ाब की तरफ लुटाएगा अल्लाह इस तो बड़े अज़ाब की तरफ लुटाएगा इन्हां दी दुनिया भी मैं तबाह कर देंगा अल्लाह इन्हां दी आखरत भी तबाह कर देगा लेकिन वह अम्मा मन आमना वामिला सालिहा फलहु जज़ाअन हुस्ना वसनकूलु लहु मिन अमरिना युसरा हजरत ज़ुल्करनैन फरमाते ने जिन्ना लोगों ने ईमान लै आंदा अल्लाह ताला ते जिन्ना दा यकीन पुख्ता हो गया अपने रब नूं मन्नण वाले हो गए उन्हां लोगों दे नाल मैं भी चंगा सलूक करांगा उन्हां लोगों दा ख्याल करांगा उन्हां लोगों ते अपना माल निछावर करांगा उन्हां लोगों नूं अपने लश्कर दे अंदर शामिल कर लवांगा जिहड़े रब नूं मन्नण वाले ने और दुनिया अंदर भी उन्हां लई आसानियां होणगियां कियामत वाले दिन भी आसानियां होणगियां जिथे सूरज छुपद ना इथों की मट्टी सियाह रंग की हो चुकी है इथों की मट्टी सियाह रंग की हो चुकी है और जनाब सियाह का पानी नहीं है बल्कि जिवे
कारा होया करता है ना, इस तरह की मठी है जिसे सूरज छुपता पे है। हजरत ज़ुलकरनैन ने सारा मंदिर तक इस मकाम से सूरज छुप गए है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमाते हैं सूरज के चौथे आसमान देवे, लेकिन रब दियां मर्जियां। अल्लाह ताला ने जमीन का मंजर वखाया, आसमान का मंजर नहीं वखाया। अज भी असं कि समुद्र के किनारे खड़े हुई शाम का टाइम आवे सानू भी लगता है जिम्मे सूरज पानी अंदर छुप गया है। हजरत ज़ुलकरनैन ने भी नजर मारिया इंज करके सियाह रंग की मट्टी है गारा की गारा दे पानी खुशक भी नहीं होया, पानी बहुत ज्यादा भी नहीं है। इस जिगर के अंदर जनाब सूरज छुपदा। हजरत ज़ुलकरनैन ने वेख्या मालके के नाम फरमाते ने उम्मा अतबा साबा फिर जनाब ज़ुलकरनैन ने सोचा मगरब ते वेख लीए हुण मशरक भी वेखने आ। मगरब दा एंड वेख लिया जिहड़ा बड़िया बड़े साइंसदान ने ते बड़े जहाज ते बड़िया सवारियां तेज ने, पर सूरज दा निकलना भी नहीं वेख सके ते सूरज दा छुपना भी। अल्लाह दी जमीन इतनी वसी है, तुसी तसव्वर करो अल्लाह ने उस अपने बंदे नू कितनी ताकत दिती होएगी और कितनी तेज सवारी अता कीती होएगी। थुम्मा अतबा सबाबा, अल्लाह फरमांदे ने मैं उनू ऐसा समान अता फरमाया कि उन्हें दूसरी तरफ दा रुख कर लिया। जदों मशरक वेख ली ते सोचिया, जदों मगरब देख ली सोचिया भी इत्थे ते सूरज आके छुपदा है ते जिथों सूरज निकलदा है ओ जगह भी वेख लवां। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आप इमाम के नाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आप दीवानियां परवानियां तवज्जो करना। मालिक के नाल फरमांदे ने हुम्मा अतबा सबाबा हत्ता इज़ा बलगा मतलिया शम्सी वजदहा तत्लू अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा कदालिक वकद अहदना बिमा लदैहि खुबरा थुम्मा अतबा सबबा। हजरत ज़ुलकरनैन ने सफर शुरू किया, चलते हैं चलते हैं बड़े बड़े इलाके आए, बड़िया बड़िया कौमां आईया जिन्हों कौमां हजरत ज़ुलकरनैन अल्लाह की तरफ बुलाया करते सन। जेड़े मन गए उन्होंने अपने लश्कर के नाल मिला लिया, जिन्हें इनकार किया उन्होंने नाल जंग कर ली, उन्होंने मालो मता भी ना ले लिया, उन्होंने पैसा दौलत भी ना ले ली। अगला सफर शुरू कर दिया हजरत ज़ुलकरनैन चलते चलते जो पहुंचे ना जी तो सूरज निकलता वे मालके के नाम फरमाते ने हत्ता इदा पाला का मतली शमसी बजा दहा तत्लो अला कौमि लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। हजरत ज़ुलकरनैन ने ऐसी कौम वेख्या जिथों सूरज निकलता वे उस मकाम से ऐसी कौम वेख्या वे जिस कौम के रंग लाल सुरख ने और जिस कौम के कान बड़े बड़े ने। ये जो सूरज निकलिया करता ये कौम के लोग इंज करिया करते सन, बाद लोग पानी के अंदर छुप जाया करते क्योंकि जो सूरज निकलता बहुत ज्यादा गर्मी होंगी, बहुत ज्यादा गर्मी होंगी। जो सूरज निकलता ना बाद लोग फौरन पानी अंदर चले जाते समुद्र के अंदर, जो सूरज चढ़ जाना दूर चला जाना फिर इन्होंने निकल के अपना काम कार करना या रात को अपना काम कार करना, सारा सारा दिन पानी के अंदर ही लुकिया रहना। और इन्होंने बेहतरीन खुराक मछली सी, यदि मछली खाया करते सन। बाद इस कौम के लोग ऐसे सन जिन्हों के कान बड़े बड़े बड़े
बड़े बड़े कान सन, जदों सूरज निकलिया करदा एक कान थले रख लेंदे, एक कान ऊपर रख के अपने आप नूं अंदर छुपा लेंदे, और सूरज जदों चढ़ निकल जांदा उदों उठ के अपनी खेती बाड़ी या अपना काम कार करन लग जांदे। हजरत दे सुनो करना है, चलदियां चलदियां जदों इस कौम दे करीब पहुंचे ने ना, जनाबे ज़ुल्करनैन ने नजरां मारियां इस मकाम ते रात नूं पहुंचे। हजरत दे ज़ुल्करनैन ने नजरां मारियां इसे जगह तो जनाब हड्डियां नजर आईया, इसे जगह ते हड्डियां ते ढांचे नजर आए। हजरत दे ज़ुल्करनैन ने फिर रात नूं काम करदे इक कौम नूं वेखिया, आखिया ऐ कौम दे लोको ऐ हड्डियां ते ढांचे काहदे लई ने? इन्हां ने आखिया आने वाले हो, भला अपना तारफ ते करावो ना। हजरत दे ज़ुल्करनैन ने अपना नाम दसिया और इन्हां दी बोली दी अंदर दसिया, हैरान हो गए, बंदा बड़ा परदेसी है मगर साडी बोली जानन वाला। आखिया ऐ ज़ुल्करनैन ऐ अपने लश्कर वालियां नूं समझा दे, जदों सुबह सूरज निकलेगा जदों असीं पानी अंदर छुप जावांगे उदों अपनी कौम वालियां नूं भी पानी अंदर छुपा लैणा, अगर कोई बाके रहेगा फिर उहदी खैर नहीं है। हजरत दे ज़ुल्करनैन फरमांदे ने, ऐ जिहड़ियां हड्डियां ते ढांचे पए ने इन्हां नूं तुसां कतल कीता है? आखे नहीं नहीं असीं कतल नहीं कीता, इह वी इक लश्कर आया सी वेखण वास्ते कि सूरज किस मकाम तो निकलदा वे, सैरो सियाहत वास्ते सैरो तफरी वास्ते आया। इस लश्कर वालियां नूं असीं कहा सी, ऐ कबीले वालियो जदों सूरज निकले पानी अंदर छुप जाणा, इन्हां साडी गल नूं सीरियस ना लिया, इन्हां ने साडे कहणे नूं मजाक समझिया। इह लश्कर वाले जदों सूरज निकले इत्थे बैठे रहे पानी अंदर ना आए, सूरज दी इतनी तपश सी सूरज ने चला के राख कर दिता, हड्डियां अलग हो गई, कोश अलग हो गया। हजरत दे ज़ुल्करनैन ने फिर एवें कीता, जदों सूरज निकलिया फौरन पानी अंदर चले गए। जदों रात हुई है ना, हजरत दे ज़ुल्करनैन ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, जनाबे ज़ुल्करनैन ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। वाह अल्लाह दे बंदे तू मशरक भी वेख लिया तो मगरब भी वेख लिया। हजरत दे ज़ुल्करनैन सोचते ने चल और तरफ जाने, शुमाल जनूब का चक्कर लगाने। हजरत दे ज़ुल्करनैन चलते हैं चलते हैं जदों तुर्की इलाके अंदर आए, तुर्क के इलाके के अंदर हजरत दे ज़ुल्करनैन पहुंचे ना, मालके के नाल फरमाते ने, मालके के नाल फरमाते ने, हत्ता इदा बालगा बैन सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमा ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला, क़ालू या ज़ल क़रनैन इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअल लका खर्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी खैरुल फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिल अजअल बैनकुम व बैनहुम रद्मा। हजरत दे ज़ुल्करनैन चलते हैं चलते हैं जदों तुर्की इलाके के अंदर पहुंचे ना, हजरत दे ज़ुल्करनैन ने वेखिया उठे लोग रो रहे ने, चीखो पुकार कर रहे ने। आपने फरमाया लोगों की हाल है तुहाडा, और जनाब चीखो पुकार काहदे लई है? इन्हां ने आखिया ऐ ज़ुल्करनैन ऐ जड़ी कौम याजूज ते माजूज दी कौम है, इन्हां ने ते सानूं तबाही कर दित्ता है, जिहड़ा भी पानी लैके आने आ सारे दा सारा पानी पी जांदे ने, जिहड़ी भी फसल बीजने आ उहदे अंदर दाखल हो जांदे ने, सारी फसल दा तहस नहस कर दिंदे ने। ते जदों वी असीं इहनां दा मुकाबला करने आ इह साडे विचों ताकत वाले ने कुवत वाले ने, असीं जित नहीं सकदे हार जांदे आ, मगर इहनां तों तंग बड़े आ, साडे जानवर भी लै जांदे ने, साडा खाणा पीणा भी चुक लैंदे ने, साडियां फसलां भी तबाह कर दिंदे ने। मुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ अल्लाह ज़मीन ते बहुत बड़ा फितना फैलाण वाले ने। हजरत ज़ुल्करनैन नू याजूज माजूज दे बारे अंदर दसिया, मुफस्सरीन ने लिखे है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नस्ल विचों तीन पुत्र, एक दा नाम साम है,
एक दा नाम हाम है ते इन्हां दे बारे अंदर मुफस्सरीन ने यह लिखे है भी जेड़ा इन्हां दा बेटा साम है उद विचु कुल अरब ने जितने भी अरब ने अरब दी नसल हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम दे बेटे साम तक मिलती है और जितने हबशी ने ए हबशी हजरत नूह दे बेटे हाम दी नसल विचु ने जितने भी हबशी ने हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम दे बेटे दा नाम हाम उस हाम पुत्र दी नसल विचु हबशी पैदा हुए ने और तीसरा बेटा याफस ये जिहड़ा याफस बेटा है हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम दा इहदी नसल दे विचु जितने तुर्की ने और बाकी अपनियां कौमां ने जितने लोग असी मौजूद हाँ असी याफस दी नसल विचु जाके साडी लड़ी उन्हां तक जा मिलदी है और तुर्कियां दी लड़ी भी उन्हां तक जा मिलदी है और इन्हां तुर्कियां दे विचु एक ताकत वाली कुव्वत वाली कौम सी लड़ाई झगड़े फसाद वाली कौम सी याफस दी नसल दे विचु एक नसल ए याजूज माजूज है और ए भी इंसान ने ए भी इंसान ने लेकिन इन्हां दे कद दराज ने इन्हां दीआं शक्लां मुख्तलफ ने इन्हां दी कुव्वत ताकत मुख्तलफ है और इन्हां दी सोच समझ इको ही एक अल्लाह दी जमीन ते फितना बपा करना है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आओ इमाम के नाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले आ दीवानियां परवानियां तवज्जो करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना मुनव्वरा दे अंदर अल्लाह ताला बार बार तुहानू मदीने लै जाए अल्लाह बार बार तुहानू मक्के लै जाए शाला मक्के रह जाओ मदीने रह जाओ या अल्लाह इंज दा मंदिर बना दे रमजान दा महीना होवे किते मक्का होवे किते मदीना होवे किते तुसीं सहरियां मक्के करो किते सहरियां मदीने करो किते अफतारियां मक्के करो ते किते अफतारियां मेरा दिल करदा है रब्बा तेरे शहर मक्के विच जावां मैं मेरा दिल करदा है रब्बा तेरे शहर मक्के विच जावां मैं वेखा खाना काबा तेरा रो रो के तैनू मनावां मैं जो तो लोकी कर दे तैयारी मेरा दिल भी मारे उडारी जो तो लोकी करन तैयारी मेरा दिल भी मारे उडारी मौला इंज दा करम कमा दे अबाबीला विच रल जावां मैं मेरा दिल करदा है रब्बा तेरा शहर मक्का तेरे शहर मक्के विच जावां मैं सफा मरवा दे वखरे नदारे उठ जांदे रब दे प्यारे सफा मरवा दे वखरे नदारे उठ जांदे रब दे प्यारे सद सानू भी अपने दवारे सद सानू भी अपने दवारे सम सम दे नाल नहावां मैं मेरा दिल करदा है रब्बा तेरे शहर मक्के विच जावां मैं वेखा खाना काबा तेरा रो रो के तैनू मनावां मैं उत्थे रहमत दा परनाला गिलाफे काबा काला उठ रहमत दा परनाला गिलाफे काबा काला वेख पत्थरी बरागीमी हजरे असवद सीने लावां मैं वेख पत्थरी बरागीमी हजरे असवद सीने लावां मैं मेरा दिल करदा है रब्बा तेरे शहर मक्के विच जावां मैं वेखा खाना काबा तेरा रो रो के तैनू मनावां मैं फिर
बैठा बिच असवारी मदीने दी करा तैयारी फिर बैठा बिच असवारी मदीने दी करा तैयारी कुबा मस्जिद दे बिच जावा ते रोजे दी ज़ियारत पावा मैं मेरा दिल करदा है रब्बा तेरे शहर मक्के बिच जावा मैं अल्लाह सब नु मक्के मदीने दी हाजरी नसीब फरमाए तवज्जो मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने प्यार करने वाले आप इमाम के नाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले आ दीवानिया परवानिया तवज्जो करना मालिक के नाम फरमाते ने इन्ना लोगों ने आखिया तुर्कियां ने हजरत ज़ुल्करनैन आखिया कालो यादल करने इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्दी व हल नजअलु लका खरजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा बड़ा तंग करते ने बड़ा परेशान करते ने इन्हां दे कोल साडी जान छुड़ा दे ऐ ज़ुल्करनैन असीं तेरी हैल्प करने आ जिन्ना पैसा लैने लै लो जिन्ना सोना आखेगा देवांगे जिन्नी चांदी कमेगा देवांगे जिन्ना मालूमत आखेगा देवांगे पर इन्हां तों असीं बड़े तंग हां इन्ना तो असी बड़े परेशान पहाड़ की दूसरी तरफ रहिंदे ने साडे कजन ने साडे रिश्तेदार ने साडे पितरेर ने ये पहाड़ की दूसरी तरफ रहिंदे ने जिवें ही सुबह का सूरज निकलदा है फौरन आके सानू परेशान करदे ने ऐ ज़ुल्करनैन इंज करना इन्हां दे दो पहाड़ां दे दरमियान जिहड़ा रास्ता है जिस जगह तो साडे वल आंदे ने इस जगह नूं बंद कर दे किसी तरीके दे नाल जिन्ना माल कहेगा तेनों देंगे हजरत ज़ुल्करनैन जनाबे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम फरमाते ने काला मा मक्कन्नी फी रब्बी खैर फाईनूनी बिकुव्वतिल अजअल बैनकुम व बैनहुम रद्मा हेल्प करनी है जिवें मैं आखा उवें करना बाकी सारा समान भी मैं आप ही लावांगा सारा पैसा भी मैं आप ही खर्च करांगा सारिया मेहनत मैं आप ही करांगा मगर जिवें जिवें मैं दसदा जावांगा जनाबे ज़ुल्करनैन फरमांदे ने हजरत ज़ुल्करनैन फरमांदे ने आतूनी ज़ुबर अल हदीद हत्ता इदा सावा बैन सदफैन काल अल्फुहु हत्ता इदा जअलहु नारा फरमाया ऐज करो ना ऐ जड़ा लोया इस लोहे दियां इंटा बनाओ लोहे दियां दीवार जिस शहर से याजूज माजूज रहिंदे सन इस शहर से दीवार बना दी थी इहदे दरमियान थोड़ा जिहा फासला छड़ के जिवें असीं बीम पाने बीम ते लोहे के दरमियान फासला छड़ने इहदे अंदर सीमेंट ते बजरी पाने हजरत ज़ुल्करनैन ने एक शहर दरमियान जगह खाली है हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ मेरी कौम दे लोको हत्ता इदा जाना गुनारा दोनों दीवारा दे साइडां ते अग ला देवो दोनों दीवारा दियां साइडां ते अग नूं जला देवो जदों अग
चढ़ाई गई है। ये दीवारा ये ईटा लाल सुरख हो गई और जो लोहे नु आग अंदर सुट रहे और लोया भी जो फूल गर्म हो जाता है लाल सुरख हो गया। हजरत सुल्कनैन फरमाते ने काला आतूनी उफरिग अलैहि किदरा इस दीवार के दरमियान भी सुट देवो, इस दीवार के उत्ते भी सुट देवो, इसके दाएं बाएं सारा तांबा होगा, इसकी शैडा दिया इंठा लोहे दियो और दरमियान के अंदर दे दियो पर अज तांबे का गारा बना के हजरत ज़ुल्करनैन ने इसे सुटवा दिता। फिर जनाबे ज़ुल्करनैन ने यह नहीं आखिया बस हुण कियामत आ जाएगी, कियामत आ जाएगी मगर दीवार नहीं टूटेगी। हजरत ज़ुल्करनैन ने यह नहीं आखिया मैं बहुत वड्डा काम कर लिया हुण तुहाडी जान छुट गई है, बल्कि जनाबे ज़ुल्करनैन फरमांदे ने काला हादा रहमतुम मिन रब्बी, मेरा कोई कमाल नहीं मेरे रब दी रहमत है, मेरा कोई कमाल नहीं। ये ना किया जे ज़ुल्करनैन बड़ा दरा सी, ज़ुल्करनैन बड़ा सियाणा सी, ज़ुल्करनैन बड़ा अकलमंद सी, ना 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 ये ते सोने रब दी रहमत है, अल्लाह दा फजल है जिस अल्लाह ने तुहानू इस मुसीबत तो बचा लिया। पर याद रखना फ़इज़ा जा वादु रब्बी जअलहु दक्का, रब का हुक्म आ जाएगा एक पल विच दीवार गिर के परे जाएगी, एक पल दे अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वकादा वादु रब्बी हक्का, ऐ कौम वालियो तुकियो सुन लवो, रब दा वादा हक है सच है, उहदे अंदर फर्क नहीं आ सकदा। हजरत जनाबे ना सैयद ना ज़ुल्करनैन फरमा रहे ने ऐ मेरी कौम दियो लोग एक वक्त आने वाला है, वतरकना वादु हुम यौम इदियम फी मादिहु वनुफिहा बिस्सूरी फजमअनाहुम जमा वअरदना जहन्नम यौम इदिल लिल काफिरीन अर्दा अल्लदीन कानत आयुनुहुम फी गितान अन ज़िक्री वकानु ला यस्तदीउना समा। हजरत ज़ुल्करनैन फरमाते ने मेरी कौम दे लोगो ऐ जदों रब दा वादा आ गया अल्लाह दा हुक्म ते आर्डर आ गया फिर इस दीवार नूं कोई रोक नहीं सकदा। हुण अगे नबी पाक दी हदीस पढ़ने आ, इमाम कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ी याजूज माजूज दी कौमे ना ए रोजाना इस दीवार दी खुदाई कर दिए, रोजाना इस दीवार दी खुदाई कर दिए, जदों इहदी खुदाई कर करके बिल्कुल थोड़ी जी रह जांदी है शाम नूं उदों इह कौम वाले आंदे ने, इस कौम दा ठेकेदार है ना याजूज माजूज दा जिहड़ा सरबराह है आंदा हुण चलो आराम करो ऐ थोड़ी जी दीवार रह गई है ते कल गिरा देंगे। कल रोजाना खुदाई करते हैं दीवार थोड़ी जी रह जाती है, शाम को आदमी यार हूँ थक बड़े गए हैं तो चलो थोड़ी जी रह गई कल आप थका ही मारना है तो गिर जानी, कोई गल नहीं हूँ आराम कर लो तो कल इन आप गिरा देंगे। जो सुबह आते ने दीवार फिर उड़ी होंगी, फरमाया इवें हों रहेगा जो रब का हुक्म होना है ना उदो शाम फिर दीवार उन्नी की रह जाए तो उदो कौम दे सरबराह ने आखना है हुण थोड़ी जी दीवार रह गई है हुण आप आराम कर लीए इंशाल्लाह कल ये दीवार गिरा देंगे। उन्नी देर रब ने उन्हां दी सोच विच इंशाल्लाह ही नहीं लिया ते जदों कह देंगे भी अल्लाह ने चाहिया तो कल ये दीवार फिर गिर जाएगी। दूसरी हदीस अंदर इंजे नबी पाक ने फरमाया ये दीवार ही इन्हां दी खुराक है, इस दीवार से अपनी जुबाना रगड़ देन तो इन्हों का खाना पानी इतों ही पूरा आता रहा तो शाम को रज भी जाते हैं दीवार भी थोड़ी जी रह जाती आते हैं चल यार हूँ सुबह आ के नाले खुराक बन जाएंगे नाले गिरा देंगे। जो सुबह आते हैं दीवार फिर ओनी हुई होंगी है।
मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आओ इमामे के नाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया जदों एक कह देणगे इन्हां दा सरबरा आखेगा जदों कयामत करीब आ जाएगी उदों इन्हां दा सरबरा आखेगा इंशाल्लाह कल दीवार नूं गिरा देंगे। जदों सुबह नूं आणगे ते थोड़ी जी दीवार रह जाएगी इस दीवार नूं गिरा के फिर साडे ते हमला कर देणगे। इंसान मिलेगा खत्म कर देंगे ये समुद्रां दे पानी पी जाएंगे ये दरियावां दे पानी पी जाएंगे ये सारियां फसलां दा तहस नहस कर देंगे। जदों किते भी इंसान नजर नहीं आएंगे आखणगे हुण अल्लाह दे फरिश्तियां नूं वी कतल करिए नौज़ु बिल्लाह माशाअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इन्हां दे कोल तीर होणगे ये तीर आसमान दी तरफ छोड़णगे ते जदों तीर वापस आणगे रब दी कुदरत दे नाल इन्हां तीरां दे नाल खून लग्या होएगा ये अल्लाह दी ज़मीन दे गुरूर ते तकबर करणगे ये आखणगे नौज़ु बिल्लाह असीं अल्लाह दे फरिश्तियां नूं वी कतल कर दित्ता है असीं अल्लाह नूं वी कतल कर दित्ता है हुण साडी हुकमरानी कोई खुदा नहीं कोई हाजत रवाब दे मुश्किल कुशा नहीं। मेरे बाबू पैगंबर ने फरमाया जदों इतना बड़ा गुरूर ते तकबर करणगे फिर अल्लाह इन्हां दा मुकाबला करेगा। अल्लाह किवें मुकाबला करणगे अल्लाह इन्हां नूं बीमारी ला देणगे ये बीमारी इन्हां दीआं गर्दनां दे अंदर ऐ छोटे छोटे दाणे निकलणगे जिवें कैंसर दा मरज हुंदा है इवें ऐसी मरज लगेगी जिहदा इलाज नहीं होएगा जिदा इलाज नहीं होएगा। इस मरज दे नाल यानी फोड़े वाली मरज इस मरज दे नाल सारी मर जाएंगे। फरमाया फिर अल्लाह दी जमीन विचों एक जानवर निकलेगा या बाद मुफसरीन ने लिखा नबी पाक ने फरमाया अल्लाह वड्डे वड्डे परिंदे भेजेगा जेड़े परिंदे इन्हां दे जिस्मां नूं खाणगे और इन्हां दे जिस्म उन्हां परिंदियां दी खुराक बन जाएंगे। मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आओ इमामे के नाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना। फरमाया ओदे बाद कयामत आ जाएगी सूर फूंकने वाला सूर फूंकेगा तेल फिर लोग एक दूजे की तरफ दौड़नगे जदों जनाब ना दुनिया ते नफ्सो नफसी का आलम बन जाएगा फिर इबलीस सोचेगा इबलीस ए लोग क्यों नस रहे ने क्यों भज रहे ने क्यों एक दूजे ते गल पै रहे ने क्यों झगड़े हो रहे ने आखिर वजह की है मैं पता ते अल्लाह दे फरिश्ते कतारा बना के खड़े ने यह आखेगा इधर दे फरिश्ते खड़े ने फिर दौड़दिया दौड़दिया सारे शयातीन दे नाल मगरब की तरफ जाएगा। जदों मगरब की इंतहा हो जाएगी उठे भी अल्लाह दे फरिश्ते तलवारा लैके खड़े होंगे कतारा बना के खड़े होंगे इबलीस आखेगा कोई गड़बड़ लग दी है इधर शमाल की तरफ जाएगा जनूब की तरफ जाएगा हर तरफ अल्लाह दे फरिश्ते खड़े ने सफा बना के अल्लाह की जमीन तो बाहर नहीं जा सकता अल्लाह ताला दे हुक्म दे मुताबिक ही होएगा। इबलीस जान जो फेरे दसेगा अज किसी तरीके बच जावा अज अपने शयातीन नूं बचा लवा मगर हर तरफ अल्लाह दे मलाइका होणगे आखर तक हार के खड़ा हो जाएगा एक जगह ते नजर मारेगा अज जनाब एक खार नजर आएगी एक गार नजर आएगी एक रास्ता नजर आएगा इबलीस आखेगा रास्ता मिल गया मेरे संगियो आओ ना इस रास्ते की तरफ नस जाने ताकि अल्लाह की पकड़ अंदर ना आ सकिए दौड़दे दौड़दे इस रास्ते दे अंदर जदों लग जाएगा सारे मुबारक
सजदे कर शुक्र होया अल्लाह की पकड़ तो बच गए, अल्लाह के फरिश्तियां की पकड़ तो बच गए। अज दौड़दे दौड़दे जब इस वार के आखिर ते पहुंचेगा सामने जहन्नम होएगी। जब सामने जहन्नम वेखेगा आखेगा इस जहन्नम तो बचण लई ते मैं नस रहा सां, चलो वापस चलने। पीछे नजर मारेगा फरिश्ते खड़े होणगे, आवाज आएगी लांती आओ मेरे बंदियां नूं छाण वाले, आओ मेरे बंदियां नूं गलत राह ते माण वाले, आओ मेरे बंदियां नूं खतावां ते गुनाहां ते मजबूर करन वाले। आओ हुण तेरा कोई रास्ता नहीं है, हुण तो छुट नहीं सकदा, हुण तो नस भज नहीं सकदा, हुण ते जहन्नम दे अंदर ही जाएगा। मालिक कहना फरमांदे ने अल्लदीना कानत आयुरुकुम फी गिताइन अन जिक्री व कानो ला यस्तदीउना समा अफहसिब अल्लदीना कफरु अय्यत्तखिदु इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिलकाफिरीना नुज़ुला قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا। मालिक के नाल फरमा दे रे फिर कियामत वाला दिन आ जाएगा जेडे रब दे नाल कुफर कर दे रे अल्लाह दे बंदियां नूं पुकार दे रे। अल्लाह आखेगा अज बुलाओ मेरे बंदियां नूं मेरे मुकाबले अंदर। जदों पुकारणगे किन्ना बलियां नूं, जदों पुकारणगे कईआं नबियां नूं, जेडे नबियां दी पूजा करदे सन नबियां नूं पुकारणगे, जेडे बलियां दी पूजा करदे सन बलियां नूं पुकारणगे। फिर कोई जवाब नहीं आएगा, जदों कोई जवाब नहीं आएगा अल्लाह फरमाएंगे इन्ना आतदना जहन्नम और तुसी मेरी जहन्नम अंदर जाओगे। मेरे बंदियां ने ते नहीं सिखिया के मेरी इबादत करो, फिर अब्दुल कादर जिलानी ने ते नहीं सिखिया मैनू सजदा करे आजे, अली हजमेरी रहमतुल्ला ने ते नहीं सिखिया मैनू सजदा करे आजे, मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला ने ते नहीं सिखिया मैनू सजदा करे आजे, बाबा फरीद रहमतुल्ला ने ते नहीं सिखिया मैनू सजदा करे आजे, पीर नसीरुद्दीन सीर ने देने सी आख्या मैनू सजदा करे आजे, पीर मेर निशान ने देने सी आख्या मैनू सजदा करे आजे। इते रब दी इबादत करने वाले सन तुसी अपनी मर्जी दे नाल इन्हां नूं खुदा बना बैठे, हाजत रवाब दे मुश्किल कुशा बना बैठे। इन्ना आतदना जहन्नम चलो हुण तेरी जहन्नम दे अंदर दिल काफिरी नुज़ुला कुल हल रब्बीकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लदीना सल्ला सायुहुम फिल हयात दी दुनिया वहुम या सबूना अन्नहुम यूसिनूना सुना उला इकल्लजीना काफरू भी आयाती रब्बिहिम वालिकाई आबी वालिकाई आबा हाताबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा देने जदो लोग अल्लाह दे नाल कुफर करने वाले बगावत करने वाले उलाई कल्लजीना काफरू भी आयाती रब्बिहिम अपने रब दियां आयात नाल कुफर करदे रहे हो, अपने अल्लाह के हुक्मां नूं झुठलांदे रहे हो। वालिकाई वहाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू वत्तखदु आयाती व रुसुली हुज़ुआ इन्हां दे बुरे अमलां दी जज़ा जहन्नम। किसे वली ने कहा मैनू सजदा करो, अल्लाह ताला फरमांदे नबी पाक ने फरमाया कियामत वाले दिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहि सलाम नूं बुलाणगे। ए जिहड़े ईसाई हजरत ईसा नूं अल्लाह समझदे ने या अल्लाह दा बेटा जानदे ने और उन्हां दी इबादत करदे ने, अल्लाह फरमाणगे ईसा इन्हां लोकां नूं तू कहा सी कि मेरी इबादत करिया जे। जनाब ईसा नबी पाक फरमांदे ने कंबण लग जाणगे, लरसा तारी हो जाए, अखां चांसू आउण के सर झुक जाएगा। फिर फरमान के या अल्लाह तू गवाह है, अल्लाह तू ते एक एक मिनट सेकंड दी गल जानना है, अल्लाह तू गवाह है मैं अपनी तरफ नहीं सी बुलाया, मैं तेरी तरफ बुलाया। जिथे नबी ईसा कहणगे
अल्लाह मैं अपनी तरफ नहीं सी बुलाया, तेरी तरफ बुलाया सी। उठे उलिया अल्लाह भी आखन गए, अल्लाह असी ते तेरी इबादत कर करके उलिया अल्लाह तेरे वली बने सा, अल्लाह असी लोगों नु तेरी तरफ बुलांदे सा अपनी तरफ, उठे फिर कोई तुहाडा वली नहीं होएगा। उठे वली कहणगे अल्लाह असी इन्हां नु कहा सी अल्लाह दी इबादत करे, अज साडी इबादत तुझे किसी भी बाबा फरीद मौला के दरबार से मैं एक दफा गया उठे तो ऐसे तुहीदी कलीमात लिखे ने उठे पढ़े लिखे हुए कलीमात बंदा समझ जाए तो उन्होंने तुहीदी समझ आ जाए। उन्होंने तो साफ लिखे है इबादत अल्लाह की इतने नहीं चुकना, ढोल कवाली हराम है हलाल नहीं जायज नहीं। उन्होंने साफ लिखे है कोई औरत मिजार से ना आए फिर भी तू अपनी मर्जी ना गलत पासे जाता रहो पकड़ तेनू होनी है वलिया। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले मालिक के नाल फरमाते ने ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू वत्तखज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ, ऐसे बदबख्तां दा अंजाम जहन्नम होएगा, इन्हां दे अमलां दे बदले अंदर जहन्नम अंदर सुटिया जाएगा। या अल्लाह खरे केड़े गुनाह करते रहे, अल्लाह फरमाणगे एक दे मेरियां कुरान दियां आयात नूं झुठलांदे रहे, कुरान आ गया आयात आ गई तर्जमा आ गया तर्जमा सुन लिया समझ लिया फिर भी उन्होंने झुठला दिता। दूसरी गल मेरे नबी आते रहे वैरू सूरी मेरे रसूल आते रहे मेरे पैगंबर आते रहे, इन्होंने मेरे पैगंबर वैरू सूरी हुजूआ इन्हें मेरे नबिया ने भी झुठला दिता। रब के नबिया की गल का इनकार आम लोगों की गल पिछे लग गए, जे नबी की गल मना तो मसलक जाएगा, जे नबी की गल मना तो इमान जाएगा, जे नबी की गल मना तो बरादरी जाएगी। ज्यादा नबी की गल छड़ दिना बरादरी मना लेना, नबी की गल छड़ दिना इमाम मना लेना, नबी की गल छड़ दिना मसलक बना लेना। ये नबिया दियां गल्लां नूं झुठलांदे रहे अपनी मर्जी लई अमल करते रहे, इस वजह तू जहन्नम अंदर सुटे है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुजुला खालिदीन फीहा ला यबगुना अनहा हिवला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते ने मगर जड़े लोग नेक अमल करते रहे जो गल की समझ आ गई फिर हर हड तरमी ने की फिर अपनी जनाब ना गल नहीं मनवाई बल्कि कुरान की गल आ गई तो सब कुछ छड़ दिता ते कुरान ते अमल कर लिया मुस्तफा की हदीस से अमल कर लिया। ऐसे लोगों को मैं अल्लाह जन्नत का दाखला देवगा जिदे अंदर दुध शहद शराब दियां नहर ने और आवाज आएगी हमेशा हमेशा मेरी जन्नत विच ही रहोगे। मैं रब ने तुहानू तुहाडे नेक अमल दे बदले अंदर जन्नत दिती है। मालिक के नाल फरमाते ने ए इब्ने आदम कुल्लु कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़बल अन तनफदा कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिहि मददा। इब्ने आदम पता है तेरे रब की शान क्या है, पता है तेरे रब का मकान क्या है, पता है तेरे रब की बुलंदी क्या है। ऐ जड़े समुद्र ने ये सारे समुद्रों में अल्लाह ये सारे समुद्रों स्याही बना देवा, ऐ जड़े दरखत ने ये सारे दरख्तों दियाँ कलमा बन जावन, ऐ जड़े इंसान ने ये लिखण बह जावन, ऐ सारी जमीन में अल्लाह कागज बना देवा। ये लिखदियाँ लिखदियाँ मर जाएंगे कलमा मुक जान गई समुद्र का पानी मुक जाएगा। एवें दा एक और समुद्र ले आवा और समुद्र ले आवा फिर भी खत्म हो जाएगा मगर तेरे रब की शान खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह तू पाक है अल्लाह तू पाक है। फरमाया मेरे बंदे तू उस रब नू छड़ी फिरना है उस मालक का राह छड़ के ते गैरा मल टुर गए हैं वो जिस मालक दी शान ही है। ऐ जितना समुंदर है सारा स्याही बन जाए, ऐ जितने दरखत ने सारे कलमा बन जान, आप जिन्ने लोग ने लिखण पै जान कलमा कस जान गियां इंसान मुक जान गए थक जान गए ते पानी खत्म हो जाएगा स्याही मुक जाएगी फिर इत्थे ही बस नहीं ए जगह ते मैं इन्नी होर स्याही भी भेज देवा। लिखदियां लिखदियां थक जाओगे अपने रब की शान मुकम्मल नहीं हो सकती।
मेरे मामू पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ। और आखिरी आयत करीमा सूरह काफ दी अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमा तफसील मुकम्मल होया। मालिक कहना फरमाते ने कुल इन्नामा आना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादती वला युशरिक बिइबादती रब्बिही अहदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते हैं कुल इन्नामा आना बशरुम मिसलुकुम। ऐ मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दी इन्हां लोकां नूं दस देवो मैनूं अल्लाह ताला ने इंसानां विच ही बनाया है, मैं कोई नूरी नहीं हूं, क्योंकि जिहड़ा नूरी हुंदा है खांदा नहीं, जिहड़ा नूरी हुंदा है पींदा नहीं, जिहड़ा नूरी हुंदा है उहदा बाप नहीं हुंदा, जिहड़ा नूरी हुंदा है उहदी मां नहीं हुंदी, जिहड़ा नूरी हुंदा है उहदे पुत्तर नहीं हुंदे, जिहड़ा नूरी औलाद कोई नहीं हुंदी। हज़रत जिब्राईल ने ये नूरी अल्लाह दे फरिश्ते ने, भला दसो ते सही ना जिब्राईल दे बाप दा नाम की है, जिब्राईल दी मां दा नाम की है, जिब्राईल दे भाई दा नाम की है, जिब्राईल दी भैन दा नाम की है। कुल इन्नामा आना बशरुम मिसलुकुम, महबूब जी दस देवो अल्लाह ने मेरे इंसाना विच ही पैदा कीता है, लेकिन फर्क ए वे सारी दुनिया के इंसान मिल के मुस्तफा दे कदमां दी खाक दा भी मुकाबला नहीं कर सकते। 1,24,000 पैगंबर मेरे पैगंबर दी शान दा मुकाबला नहीं कर सकते। सोनिया दस देवो ना, मैं ते ओही कहना जो रब दी तरफ हुक्म हुंदा है, जो अल्लाह दा आर्डर हुंदा है, अल्लाह दी वही तुहाडे तक पहुंचाउंदा वा। पाल के कहना फरमांदे ने वन नजमी इदा हवा मा दल्ला साहिबुकम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा। सुनिया कह देवो ना दुनिया अंदर बसने वाले लोगों, अपने अमल अल्लाह की तरफ लुटाओ, अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह के सामने दुआवां इल्तजामा करो, नेक अमल करया करो, नेक अमलां दा ही बदला मिलना है। और अपनी इबादत के अंदर शिरक ना करया कर, अपनी इबादत अंदर मुशरकां ने सवाल किए सन तीन, उन्होंने आख्या रूह के बारे दसो ते असहाबे काफ दे बारे ते ज़ुल्करनैन दे बारे। अल्लाह ने सारे वाकयात दस के मालिक कायनात ने एंड ते फरमाया दो गल्लां ही दसियां ने, जिहड़े औलिया अल्लाह दे बंदियां नूं तुसीं पुकारदे हो उत्थे तुहाडे उहनां काम नहीं होणा, ते दूसरी गल अल्लाह फरमांदे ने याद रखो अमल नेक करिया करो, अपनी इबादत विच शिरक ना करिया करो। ऐ कटा फलां दा जी, ऐ वछा फलां दे नजराने, ऐ डेगा फलां दे नजराने, ऐ इबादत इबादत मौरखी ने लिखे है इबादत या खर्च भी बंदा इस वजह तो करे ना ते बंदे आखण के बड़ा सखी है। फरमाया इहदा मतलब उस बंदे ने रब नूं राजी नहीं कीता, बंदियां नूं राजी कीता, बंदियां नूं राजी। ते मैं 10,000 देंगा ना, बंदे आखण कि क्या बात, नहीं नहीं आखना अल्लाह आखे वाह मेरे बंदे, वाह मेरे बंदे मैं तेनों माल दिता, तू मेरे राज खर्च कर दिता है। ये सोच रखनी है भी इहदा बदला कौन देगा, एदा बदला मैनू मेरा अल्लाह देगा। और जिदी डबल सोच होएगी, जिदी ये सोच अल्लाह भी राजी हो ही जाना है, ते बंदियां नूं तो पता लग जाए मैं किन्ना कि सेठ हाँ। फरमाया अल्लाह अपना अजर भी उहदी तरफ लुटा के आंदे ने, उहनूं भी दे दे, उन्होंने ही राजी कर जिन्हों करन लगा है, लोगों जी राजी करन लगा है, लोगों जी विखाण लगा है, फलाना बंदा बड़ा राजी होएगा खुश होएगा, नहीं। फरमाया अपनी इबादत विच भी जो भी सदका करना है, खैरात करना है, नमाज पढ़नी है, रौजा रखना है, लोगों विखाण वास्ते नहीं रखना, रब नूं राजी करने वास्ते नेक अमल करना है। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का पहन लो गले में कुर्ता मुहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह काफ दा आज तर्जमा तफसीर मुकम्मल होया, सूरह काफ मुकम्मल बयान हो गई। अल्लाह ताला सानू अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दा अम्मा बाद फइन अहसनुल हदीस किताबुल्लाह
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة